दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अभी अभी एसएससी ने दिल्ली पुलिस के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 6000 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इस वीडियो से हमें कुछ हेल्प मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप फाइनली पहुँच गए हैं एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह दिल्ली पुलिस के लिए है। अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर कांस्टेबल पद में जाना चाहते हैं, तो आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है, वह है 1/8/2020 से लेकर 7/9/2020 तक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप 9/9/2020 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट है 9/9/2020। अगर आप ऑफलाइन बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो 14/9/2020 तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन की बात करें, तो एग्जामिनेशन 27/11/2020 से लेकर 14/12/2020 तक होंगे। तो दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखें कि 27/11/2020 से लेकर 14/12/2020 तक एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। दोस्तों, अगर पे स्केल की बात करें, तो ये पे लेवल 3 है, जो 21,700 से लेकर 69,100 तक होंगे। दोस्तों, वैकेंसी की, चलिए आप वैकेंसी को डिटेल में जान लेते हैं। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, तो 5,846 वैकेंसी है। अगर इसमें ओबीसी, अगर आप जनरल में आते हैं, तो आपके लिए 2,801 वैकेंसी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए 583 वैकेंसी है। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो 1,133 वैकेंसी है। और एससी कैटेगरी में आते हैं, तो 1,037 वैकेंसी है। और एसटी में अगर आते हैं, तो 302 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर बात करें, तो 5,846 वैकेंसी, यानी कि लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसी है। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट, दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एज लिमिट, अगर एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष, जो 1/7/2020 तक होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एज में छूट भी है, जो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर पेमेंट की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 100 रुपया लगेंगे। और आप इन दोनों कैटेगरी को छोड़कर किसी और कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, आप वैसे ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, अगर एग्जाम स्कीम की बात करें, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और जिसमें क्वेश्चन की बात करें, तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन होंगे, जो 50 मार्क के होंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के। अगर मैथ यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, तो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क के। और अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन की बात करें, तो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के। ओवरऑल 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, जिसमें 100 क्वेश्चन बनाने होंगे 100 मार्क के। जिसमें दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, जो 0.25 मार्क्स होंगे। यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं, तो आपको 1 प्रश्न का मार्क काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस
चैप्टर वाइज सिलेबस दिया हुआ है, आप जब इसे डाउनलोड करें तो आप देख लें कि कौन सा सिलेबस है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में डिटेल बता देता हूँ दोस्तों, शॉर्ट में जानकारी बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिजिकल है, आप फिजिकल क्या है समझ लीजिए दोस्तों। फिजिकल आपको अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो आपको 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप 14 फीट होंगे और हाई जंप 3 फीट 9 इंच होंगे। अगर आप 30 और 40 वर्ष के बीच के हैं तो 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर रेस और लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3 फीट 6 इंच। अगर आप 40 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो 8 मिनट का टाइम मिलेगा 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच हाई जंप। दोस्तों अगर वही फीमेल और हाइट की, दोस्तों अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मिनिमम है, जिसमें कुछ छूट भी है आप अगर इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर आप एज के मामले में आपको कुछ डाउट हुए होंगे कि ये एज क्या है 30-40 वर्ष, तो दोस्तों जो एक्स सर्विस मैन है डिपार्टमेंट है उनके भी वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए भी इसमें सम्मिलित क्या है, इसलिए यहाँ पर 40 वर्ष लिखा है, 30 वर्ष 40 वर्ष लिखा है। अगर चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट और चेस्ट को फुलाने पर 85 होना चाहिए। तो दोस्तों अगर फीमेल की बात करें तो जो फीमेल 30 वर्ष से नीचे का है उसे 8 मिनट का टाइम देना होगा 1600 मीटर 8 मिनट का टाइम मिलेगा, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट। अगर बात करें 30 और 40 वर्ष की तो 9 मिनट का टाइम मिलेगा, 9 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच हाई जंप। अगर 40 वर्ष से बड़े होंगे 40 वर्ष से ज़्यादा का होगा तो 10 मिनट 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 6 इंच हाई जंप। तो दोस्तों और हाइट की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 157 सेंटीमीटर कुछ छूट भी है, आप ये पढ़ लें अच्छे से दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर मेडिकल भी है, आप मेडिकल स्टैंडर्ड को भी पास करना होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो आधार कार्ड वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड में से कोई एक दे सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यह था शॉर्ट में जानकारी दिल्ली पुलिस के बारे में। अगर आप इसे पूरी डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से मुझे कुछ हेल्प मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।